सिटी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो कौन से पांच बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान कबीर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम लोगों ने आप लोगों को सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो कि खानिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है रिकमेंड किया, और वो कौन से पांच बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को इस सोसाइटी को चूज़ करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। अगर पहले मैं उन पाँच पॉइंट्स की बात करूँ तो नंबर वन पे आता है प्रोजेक्ट लोकेशन, नंबर टू पे आता है डेवलपर प्रोफाइल, नंबर थ्री पे आता है उसका एनओसी स्टेटस, नंबर फोर पे आता है टोटल लैंड, और नंबर फाइव पे आता है आपका पेमेंट प्लान। पहले पॉइंट की बात करें प्रोजेक्ट लोकेशन की, तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, मेन सिटी खारिया और सलाय आलमगीर का मिड ऑफ जीटी रोड कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, और वहाँ पर आपको ये सोसाइटी जो है वो बना के दी जा रही है जिसकी हेल्दी कंस्ट्रक्शन जारी है। और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये है क्योंकि मेन जीटी रोड पर रहते हुए 2.5 किलोमीटर के फ्रंट के साथ ये आपको सोसाइटी मिलेगी, और जितने भी वहाँ के शहर हैं, जो नियरेस्ट शहर हैं, जिसमें हम गुजरात की बात करें, सराय आलमगीर की बात करें, झेलम की बात करें, इवन के खारिया की बात करें, तो ये सोसाइटी इन तमाम शहरों को कवर करेगी। प्रोजेक्ट लोकेशन के बाद जो आपके पास अगला पॉइंट आता है वो आता है डेवलपर प्रोफाइल। डेवलपर की प्रोफाइल का आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डेवलपर के प्रोफाइल से आप लोगों को अंदाज़ा होता है जो उसका करंट प्रोजेक्ट है वो आपको कैसा बना के दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कि डेवलपर भी हैं और इटसेल्फ ऑनर भी हैं इस सोसाइटी के, सिटी हाउसिंग के, और मेजर आमिर साहब बड़े ज़बरदस्त डेवलपर साबित हुए हैं, बिकॉज पंजाब के जितने बड़े शहरों की बात करेंगे जिसमें सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और झेलम जैसे शहरों के अंदर आपने कामयाब 6 प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिलीवर किए हैं। ये आपका 7वां प्रोजेक्ट है जो कि आप खानिया के अंदर बना के दे रहे हैं, तो इस चीज़ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं बड़े शानदार रहे और तमाम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ उसमें प्रोवाइड की गई। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो कि मैंने आपको बताया कि खारिया के अंदर आपको बना के दिया जा रहा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है इस सोसाइटी का एनओसी स्टेटस। आप लोगों को इस चीज़ का इलम होगा कि गोल्फ रेजिडेंशिया जो कि टीएमए से अप्रूव था और उसको वहाँ से अप्रूवल मिली थी, उसको इन्होंने टेक ओवर किया और यहाँ पर अपनी जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है उसको लॉन्च किया गया। तो एक चीज़ तो आप लोगों के ये इलम में होनी चाहिए कि टीएमए से ये अप्रूव्ड है, और फर्दर जहाँ से आपको इस चीज़ का भी इलम होगा कि एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है तो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से भी इसको गो हेड मिला हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि ओवरहेड ब्रिज की अप्रूवल इसको ऑलरेडी मिली थी। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको एनओसी स्टेटस इसका पता लगेगा कि ये सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है जिसको टेक ओवर किया इन्होंने, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं अब इनके हिस्से में आई हैं लाइक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के। फर्दर यहाँ पर लैंड के हवाले से जो चौथा आपको मैं पॉइंट यहीं पर कवर करता जाता हूँ कि लैंड के हवाले से बात करेंगे तो 3500 कनाल जो है यानी कि 3500 वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है टीएमए से जहाँ पर आपको वो सोसाइटी दी जा रही थी। फर्दर ये वाली सोसाइटी यहाँ पर आ गई, इसने टेक ओवर कर लिया। सो यहाँ पर अगर इन डेवलपर की बात करेंगे तो 10,000 कनाल का क्लेम किया जा रहा है, बट ये बात तो कंफर्म है कि 3500 कनाल जो है जो कि टीएमए से भी अप्रूव्ड है, और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि ओवरहेड ब्रिज की बात करें जो कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से दिया गया है, डॉक्यूमेंटेड है, ये भी अप्रूवल है। सो इसकी अगर हम बात करें कि ये 10,000 कनाल की जो लैंड है जो कि डेवलपर की तरफ से इसकी ऑनरशिप भी ली जा रही है, इस चीज़ में भी आप इसको देखेंगे कि फर्दर जो भी आपसे पेपर वगैरह शेयर किए जाएंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, बट इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि 3500 कनाल जो है वो ऑलरेडी टीएमए से अप्रूव्ड है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कितनी लैंड टीएमए से अप्रूव्ड है वो मैंने आपको बता दिया, कितनी डेवलपर की तरफ से क्लेम की जा रही है 10,000 कनाल वो मैंने आपको बता दिया, और जो अप्रूवल्स मौजूद हैं वो आपको इजीली मिल सकती हैं। पेमेंट प्लान के हवाले से मैं बात करूँ तो आपको 3 साल का इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान दिया गया है जिसके अंदर ये जो प्लॉट्स हैं आपको अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने क्वार्टरली पेमेंट्स जो हैं वो बियर करनी है। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मौजूद हैं जो हमसे इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि कोई ऐसी सोसाइटी रिकमेंड करें जहाँ पर हम लोग क्वार्टरली पेमेंट जो है वो कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों के पास मौका मौजूद है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर आपके पास जो एडिशनल बेनिफिट है वो आप लोगों को बताऊं मैं,
वो ये कि ये जो प्लॉट्स हैं ये आपको इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस मिलेंगे। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ अब मौजूद हैं वो आपको इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस ऑफर नहीं कर रही हैं, लिहाजा इसके अंदर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिहाज से बात करें तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग विद डेवलपमेंट चार्जेस इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ कि आपको सराय आलमगीर से सियालकोट की मोटरवे आने वाले वक्त में मिलेगी जिसका काम जारी है। ये भी एक ईजी अप्रोच हो जाएगी आप लोग के लिए कि आप लोग खारियाँ सियालकोट मोटरवे को यूज़ करते हुए इस सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप लोग कोई ना कोई चीज़ 5 मरला 7 मरला 10 मरला या 1 कनाल के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख सकते हैं। इस सोसाइटी में बुकिंग के हवाले से आप लोग कोई भी चीज़ अगर बुक करवाना चाहते हैं, लोकल हैं या ओवरसीज़ हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है +92333115800। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वो बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।